किमें तामुलात के उसूलों की जांच का तजुर्बा। आइए हम सबसे पहले बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का महलूल बनाते हैं। एक मकरूती नली में या मकरूती सुराही में थोड़ा पानी डालिए, फिर इसमें बेरियम क्लोराइड का पाउडर मिलाइए। पाउडर मिलाने पर एक महलूल तैयार होता है। इसी तरह एक इम्तिहानी नली में थोड़ा पानी लीजिए, इसमें सोडियम सल्फेट का पाउडर मिलाइए। इस तरह सोडियम सल्फेट का महलूल तैयार होता है। अब इस इम्तिहानी नली को एक धागे की मदद से बांधिए और मकरूती सुराही में लटकाइए और रबर कॉर्क की मदद से इसे बंद कर दीजिए। अब हम एक टेबल पर एक स्टैंड रखते हैं और इसमें स्प्रिंग बैलेंस यानी तराजू को लटकाते हैं। अब इस तराजू की मदद से हम मकरूती सुराही में मौजूद महलूलों का वज़न करते हैं। वज़न करने पर हमें इसका वज़न 140 ग्राम मिलता है। अब मकरूती सुराही को थोड़ा सा तिरछा करके इम्तिहानी नली का महलूल मकरूती सुराही में उंडेलिए। थोड़ी देर इंतज़ार करने पर हमें इसके रंग में तब्दीली नज़र आती है और हम जब इसका वज़न करते हैं तो इसका वज़न 140 ग्राम ही निकलता है, यानी तामुल के पहले का वज़न भी 140 ग्राम और किमें तामुल के बाद का वज़न भी 140 ग्राम, यानी पहले का वज़न और बाद का वज़न दोनों का वज़न मसावी है, यानी आमिल अशिया का वज़न और हासिल अशिया का वज़न बराबर होता है। किमें तामुल का वज़न पर किसी तरह का कोई असर नहीं होता, इसीलिए वज़न में ना तो इजाफा होता है ना कमी वाक़ होती है। किमें तामुलात में हिस्सा लेने वाली आमिल अशिया और किमें तामुलात के नतीजे में तैयार होने वाली हासिल अशिया का जुमले वज़न मसावी होता है और इसे ही मादे की बका का कानून कहते हैं।